जाए, आदि पुरुष को बैन किया जाए। ये ड्रग्स सेवन करने वाले बॉलीवुड गैंग होश में आए। आदि पुरुष का मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बार बार ये जो नशा करने वाली जो गैंग है, नशा करने वाली जो बॉलीवुड की गैंग है, ये बार बार सिर्फ एक ही हमारे हिंदू आस्थाओं पे, हमारे सनातन आस्थाओं पे बार बार खेद पहुंचाने का कार्य करती है। आप जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बजरंग बली का चेहरा इस तरह से मौलाना बनाने का कार्य किया गया है, हमारे देवी देवताओं के जो प्रारूप है उसको बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर रावण को देखिएगा, रावण को आप देखिएगा कि उसको किस तरह से दाढ़ी बढ़ा करके उस कांख में सुरमा लगा दिया गया है और उसे चमगादड़ में उड़ाया जा रहा है। क्या रामायण में जो रावण था, क्या वो चमगादड़ उड़ता था? हमारे बजरंग बली का स्वरूप बिगाड़ा गया है। कहा जाता है कि कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मुझ जने उसाजे, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। और यहाँ पे बजरंग बली का इस तरह से कहिए देखिए रूप को किस तरह से बिगाड़ा गया है। तो ये सिर्फ हमारे सनातन समाज के साथ इस तरह से बार बार आघात करने का कार्य ये लोग क्यों करते हैं? आप पीके मूवी में भी देखेंगे किस तरह से हमारे भोले बाबा का मजाक उड़ाया गया है। जिस तरह से हम लोग सनातनी सहिष्णु है, शांत रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे देवी देवताओं का बार बार आप उसपे प्रतिघात कीजिएगा, उससे आप मजाक बनाइएगा, उससे आप कार्टून बनाइएगा। ये हमारा सनातन समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सनातनी एकजुट है। जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र उसकी औकात दिखलाई है, पहली बार ये पिक्चर बैन होनी चाहिए। यदि लगेगी तो इसकी भी औकात उसी प्रकार से दिखलाई। आगे मूवी लगेगी तो हम जितने भी हॉल होंगे जाकर वहाँ विरोध करेंगे, कोई वहाँ पे जाके सिनेमा ना देखे। सभी सनातनी को एकजुट करने का कार्य करेंगे, सभी से अपील करेंगे, सभी को एकजुट करेंगे। और इस प्रकार जब कोई भी मूवी को नहीं देखेगा तब इसको समझ में आएगा कि इस तरह से मूवी बनाने से कोई फायदा नहीं है। सभी सनातनियों ने एक साथ बहिष्कार कर दिया है हमारा। हमारा नाम अमन कुमार हुआ, मैं हिंदू प्रचारक हूँ हजारीबाग झारखंड। हमारे देवी देवताओं के साथ इस तरह से आप छेड़छाड़ जो कर रहे हैं ये बर्दाश्त के बाहर है। सभी सनातनियों से अनुरोध है आदि पुरुष को बैन करवाने की मांग करें। बोला जाता है सनातनियों से अनुरोध है एकजुटता का परिचय दे, आदि पुरुष को बैन करे। सभी सनातनियों और आदि पुरुष को बैन करे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।